आज मैं लेके आई हूँ, बिना आग जलाए हुए हम इमली की चटनी बनाएंगे बहुत ही जल्दी, बहुत आसान तरीके से। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 50 ग्राम इमली, ये बिना बीज वाली इमली है, आपके पास जो भी इमली है आप वो ले ले। अब हम इसमें डाल देंगे, 50 ग्राम इमली है तो इसके हिसाब से हम इसमें 3 गुना चीनी डालेंगे, तो लगभग 150 ग्राम के करीब चीनी डालेंगे। अगर आप और ज़्यादा मिठाई से करना चाहें तो और चीनी इसमें डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं पानी, पानी हमें उतना डालना है जिससे कि चीनी जो है वो पानी में गीली हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 1.5 कप के करीब चीनी लिया था, तो एक आधा कप से करीब थोड़ा सा ज़्यादा हमें पानी लेना है जिससे कि चीनी जो इस तरीके से डूब जाए पानी में। अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप यहाँ पे गर्म पानी इसमें डाल सकते हैं। 3 से 4 घंटे हो गए हैं चीनी और पानी को इमली के साथ। अब हम इसे क्या करेंगे कि खूब हाथों से अच्छे से इसे मैश करेंगे जिससे कि इमली का पल्प और चीनी जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। इतनी देर छोड़ने पे चीनी जो है वो अच्छे से घुल भी जाती है, तो आप हल्के हाथों से इस तरीके से इसे मैश कर ले जिससे कि पल्प जो है पानी में आपका मिक्स हो जाए। फ्रेंड्स, ये चटनी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है, और आप इसे चाट, पकौड़ी, समोसे किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगती है, और इसे आप स्टोर करके फ्रिज में भी रख सकते हैं 1 महीने के लिए। अच्छे से मैंने यहाँ पे चीनी को इमली के साथ मिक्स कर लिया है, गूदा जो है इमली का वो निकल गया है। अब हम इसे छान लेंगे। खूब अच्छे से इसे हिलाते हुए छान लें, क्योंकि अगर आप हिलाएंगे नहीं इसे तो छन्नी से इमली की चटनी जो है वो आपकी नहीं छन पाएगी। अब जो इमली का पल्प ये बचा है, आप इससे इमली का शरबत बना सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इसमें क्वांटिटी रह ही जाता है खट्टापन का, तो आप इससे शरबत बना के पिए बहुत टेस्टी लगेगा। ये मैंने इमली के पल्प को छान लिया है, ये देखिए अब इसे हम हटा लेते हैं। तो ये हमारी बिना आग जलाए हुए इमली की चटनी जो है वो बन के तैयार हो गई। तो आप भी इसी तरीके से इमली की चटनी बना के खाएं, बहुत टेस्टी लगती है और बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाती है। तो आप भी बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये बिना आग जलाए हुए इमली की चटनी की रेसिपी कैसी लगी।